Compounds having same molecular formula but different structures are known as isomers and phenomena or property as isomerism. यानी कि देखिए यहाँ पर एक molecular formula दिया है C2H6O. अब आप देख सकते हैं कि इस molecular formula के लिए यहाँ पे हमने दो structure बनाए हैं. इन दोनों structure का molecular formula C2H6O होगा, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं. आप देख सकते हैं कि ये इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, और ये है डाइमिथाइल इथर. तो दोनों कंपाउंड अलग हैं, दोनों स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. तो ये दोनों स्ट्रक्चर कहलाएंगे आइसोमर्स. और ये जो फिनोमेना या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अलग अलग बन रहे हैं, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म. क्लियर हुआ? तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ऐसे स्ट्रक्चर कहलाते हैं आइसोमर. और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है, डेट प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमेरिज्म. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अब लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब थोड़ा आगे चलते हैं. स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये होती है हमारी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. Second is geometrical. Optical. Structural की बात करें chain isomerism. Second is position isomerism. Third is functional. Fourth is metamerism. Fifth is tautomerism. आइए जानते हैं आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म इज मेनली ऑफ टू टाइप्स. आप लोग देख सकते हैं यहां पे इसके दो टाइप होते हैं. ए टाइप लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल और बी टाइप हम लेते हैं स्टीरियो. अब बी की अगर बात करें तो बी इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. अब बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तो देखिए यहाँ पर ये पांच तरीके दिखाई दे रही है आपको. पहली होती है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथी होती है मेटामेरिज्म, एंड फिफ्थ वन लास्ट वन है टोटोमेरिज्म. तो ये पांच टाइप जो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट है, हम लोग आगे देखेंगे. अब हम लोग बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की. तो देखिए ये तीन तरह की होती है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. आइए हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पांच टाइप होते हैं. तो हम पहला टाइप लेते हैं जिसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म. देखिए नाम से ही चल रहा पता है कि आइसोमेरिज्म जो है वो चेन के अंदर होगी. कैसे होगी? पहली बात तो ये ध्यान रखिए इट स्टार्ट C4 ऑनवर्ड्स. यानी चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होने के लिए कम से कम चार कार्बन होने चाहिए आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में. अगर चार से कम है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर ये जो आपका एग्जांपल है चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी. तो चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए चार कार्बन कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर होना जरूरी है. तो बात करते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है, कब होती है. तो इट इज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन. आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की जो चेन होगी उसके अंदर कार्बन का नंबर अलग अलग होगा,
तब वो कहलाएगी आपकी चेन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 दिया है, तो C4H10 के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो मालूम पड़ा कि दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। पहली बात तो देखिए, कंपाउंड के अंदर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, यानी चार कार्बन होने चाहिए। आपसे डिस्कस किया था चार से कम में चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अब बात करते हैं पहला स्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका नाम आप जानते हैं नॉर्मल ब्यूटेन होता है। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन चेन में है, फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, फॉर्मूला देखेंगे तो यही आएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन चेन है वो ये है, या फिर ये भी बोल सकते हैं। तो मेन चेन के अंदर चाहे तो ये लीजिए, चाहे ऐसे लीजिए, इसके अंदर केवल तीन ही कार्बन है और इसके अंदर चार कार्बन है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, दोनों आइसोमर है। लेकिन कौन से आइसोमर है, चेन आइसोमर है, और ये फिनोमेना प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी चेन आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, हमने लिया है C4H8, तो देखिए C4H8 के लिए हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। एक आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक फोर मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है और दूसरा थ्री मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है और साइड में एक ब्रांच निकला हुआ है। अगर दोनों स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू का मॉलिकुलर फॉर्मूला चेक करें तो C4H8 ही आएगा, लेकिन दोनों के अंदर देखें तो यहाँ पर जो ये चेन है इसके अंदर चार कार्बन है लेकिन इसके अंदर आप केवल तीन कार्बन है, तो देखिए फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों स्ट्रक्चर में चेन के अंदर कार्बन का नंबर अलग अलग हो रहा है, चार और तीन, इसलिए ये कहलाते हैं आपके चेन आइसोमर्स। और ये प्रॉपर्टी या फिनोमेना जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है वो कहलाता है चेन आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दूसरा एग्जांपल, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पहले जानते हैं क्या होता है और कब होता है। इट इज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स और डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द चेन, यानी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा तो वहां पर जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन स्ट्रक्चर्स में फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या डबल या ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो अलग अलग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H10O दिया हुआ है, देखते हैं एक स्ट्रक्चर ये बनाया, एक ये बनाया, दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, पहले तो चेक कर लेते हैं कि दोनों का फॉर्मूला सेम है कि नहीं। देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन, C3 3 2 5 और ये आपका हो गया 7, ये 8, ये तो 8 जा रहा है जी, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 8, करेक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये हो गया C3H8 और एक O है इसका, देखते हैं 1 2 3 C3 हो गया और ये 3, ये 4, ये और ये 3 7 और ये 8 हाइड्रोजन है, तो फॉर्मूला सही है जी। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, दोनों हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप OH सेम है लेकिन इस OH की पोजिशन जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये थर्ड सेकंड पोजीशन पे लगा है, तो OH की पोजीशन दोनों में अलग अलग है, फॉर्मूला सेम है, तो ये कहलाएगा आपका पोजीशन आइसोमर्स। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8, तो आप देख सकते हैं C4H8 के लिए हमने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाए हैं पॉसिबल, तो पहले स्ट्रक्चर में और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, फर्क महसूस कीजिए तो आपको आइसोमेरिज्म का नाम अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजिशन अलग है, तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं एज पर IUPAC रूल, तो 1 2 3 4 यहाँ पे जाते हैं तो 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच है लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ही चेन के अंदर अलग अलग है, अदरवाइज उसका फॉर्मूला सेम है, तो ऐसे स्ट्रक्चर कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर्स और ये फिनोमेना या प्रॉपर्टी कहलाती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए क्लियर है, देखिए आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये थर्ड टाइप है, तो बात करते हैं कि होता क्या है। इट इज ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस, यानी कि जब फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर्स में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बनेंगे तो वो जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स और ये प्रॉपर्टी कहलाएगी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल
देखिए यहाँ पर आपको जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है कि अगर उसका टाइप CnH2n plus 2O टाइप है तो वो केवल दो तरह के फंक्शनल आइसोमर्स बनाएगा, एक होगा एल्कोहल आइसोमर और दूसरा होगा इथर आइसोमर। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6O, तो आप देखिए कि इसका टाइप बिल्कुल ये ही वाला टाइप है, और अगर ये फॉर्मूला इस टाइप को फॉलो करता है तो यहाँ पर दो फंक्शनल आइसोमर होंगे, एक में एल्कोहलिक ग्रुप होगा और दूसरे में इथीरियल ऑक्सीजन होगी। तो देखिए CH3OCH3, तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला सेम है इसके लिए, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो इथर है, तो ये कहलाएगा आपका इथर डाइमिथाइल इथर। अब बात करते हैं दूसरा आइसोमर, दूसरे स्ट्रक्चर की, तो उसका फॉर्मूला है CH3CH2OH, ये सेकंड टाइप है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH। तो आप देख सकते हैं दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है, इसलिए दोनों कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। अब बात करते हैं CnH2nO टाइप की, अगर ये टाइप आपके फॉर्मूले से मैच कर रहा है तो वहां पर फंक्शनल जो आइसोमर बनेंगे वो चार तरह के होंगे, पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा अनसैचुरेटेड एल्कोहल, चौथा होगा फोर्थ होगा आपका अनसैचुरेटेड इथर। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है हमने C3H6O, तो आप देखिए कि जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये इस टाइप को फॉलो कर रहा है, और जब ये इस टाइप को फॉलो करेगा तो इसके कितने आइसोमर बनते हैं, कितने स्ट्रक्चर बनते हैं अलग अलग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे CH3CH2CHO पहला, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आया है तो ये एल्डिहाइड आइसोमर हो गया, ये रहा हमारा। दूसरा देखिए CH3COCH3, तो ये हमारा कीटोन है और यहाँ पे जो फंक्शनल है कीटोनिक है। थर्ड देखिए यहाँ पर जो है हमारा डबल बॉन्ड आ गया, तो कंपाउंड हमारा अनसैचुरेट हो गया है, साथ में OH कैरी कर रहा है तो एल्कोहल है, तो क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड एल्कोहल है। तीसरे में डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन है, साथ में इथर फंक्शनल है, तो क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड इथर। तो देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए चार डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए हैं और चारों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए कहलाती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हैं और दोनों में डिफरेंस का जो रीजन है वजह है वो है उनका फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग होना। सो दीज टू आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स मेटामेरिज्म की। दिस इज द फोर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फोर टाइप होता है। मेटामेरिज्म कब होगा, जब आपके कंपाउंड्स के अंदर कोई डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा और उसके दोनों साइड कार्बन का नंबर अलग अलग होगा। तो ये बात करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H10O, आप देख सकते हैं इसके लिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, दोनों इथर हैं। इस वाले इथर में एक लेफ्ट साइड एक कार्बन जबकि राइट साइड तीन कार्बन है, दूसरे वाले आइसोमर के अंदर दोनों साइड दो दो कार्बन है, दोनों इथर है हाँ है लेकिन दोनों में कार्बन का नंबर सेम नहीं है, तो ये कहलाएंगे आपके मेटामर्स। और आपको ध्यान रखना है कंपाउंड के अंदर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कीटो है, यहाँ पे ये अमीनो है और यहाँ पर ये थायो है, ये इथीरियल ऑक्सीजन है, ये एस्टर है, ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं यही कोर्स करते हैं मेटामेरिज्म। अगला एग्जांपल देखते हैं, तो ये एमीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया है, तो एमीन में आप देख सकते हैं कि इस वाले आइसोमर के अंदर लेफ्ट साइड दो कार्बन जबकि राइट साइड एक कार्बन है, इस वाले आइसोमर के अंदर इसमें आप देख सकते हैं कि तीन कार्बन लगे हुए हैं नाइट्रोजन से, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर का फॉर्मूला तो सेम है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है क्योंकि दोनों में कार्बन का नंबर सेम नहीं है। सो इट विल बी नोन एज मेटामेरिज्म, और ये जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दीज विल बी नोन एज मेटामर्स। तो ये मेटामर्स है और फिनोमेना होगा मेटामेरिज्म।